मैं एक्चुअल में ये कमर से नीचे पैरालाइज था। मेरे डॉक्टर एम्स वालों ने कहा था कि आप कभी बेड से नीचे नहीं उतर पाओगे। ठीक हो जाएंगे तो क्या आप CRPF वापस अपनी ड्यूटी जाएंगे? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं जाऊंगा। इस हादसे के बाद कोई ऐसा कोई डर मन में बैठा है? नहीं मैम, एक गोलियों से नहीं डरता मैं। तो मैं बोला मुझे छोड़ दो। तो मुझे टांग में थोड़ा गुरगुर वो ऐसे घूम काम नहीं लगी, तो मैं थोड़ा खड़ा हो गया। मैं बोला वॉकर पकड़ाओ। ऑफिस में ड्यूटी जो अपने जवान अपने संगे साथी हैं उनके कागज़ करवा, जो उनके लिए पास वगैरह होते हैं उनका, मतलब जो ट्रांसफर टी वगैरह आता है, मतलब ऑफिस में हमारे कई वर्क काम होते हैं वो करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया है, नहीं तो मेरे डॉक्टर एम्स वालों ने कहा था कि आप कभी बेड से नीचे नहीं उतर पाओगे। सबसे पहले थैंक्स गॉड उनका, मेरी फैमिली का, मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। CRPF ने मेरा इलाज कराया, इसकर बढ़कर मुझे और क्या दे सकते हैं। अलबत्त स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक कोई इमदाद, कोई पैसा, कोई एक रुपये का मदद मुझे नहीं मिली है सर। हमारे को अगर एयर एम्बुलेंस वगैरह मिल जाए तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हमारे जवानों को तुरंत अफसर या जवान कोई भी होगा तुरंत उनको मेडिसिन की, मतलब वहाँ से उठाएंगे सीधा एम्स, जहाँ हॉस्पिटल नज़दीक होगा वहाँ उसको करेंगे। मरने से क्या डरना, एक दिन तो मरना है। अगर मौत आएगी तो घर पे भी आ जाएगी, जहाँ भी होंगे उससे छुपा तो नहीं जा सकता, ड्यूटी तो करनी है। ये दौड़ेगा ये, और मैं दो चार महीने के बाद दौड़ेगा ये, सूट दौड़ा के भी दिखाऊंगा अगर मैं रह गया साथ में तो। फैमिली और डिपार्टमेंट ने बहुत हद से ज़्यादा मुझे साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं।